वेलकम टू आवर चैनल नन वुमेन एंड डॉग में। गाइस आज जो चीज़ मैं लेके आया हूँ वो ड्रोन से ही रिलेटेड है, वो है ड्रोन्स को रजिस्टर कराना। जी हाँ, आपके RPAS यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, आपके जो ड्रोन्स है उसे रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। इंडिया में ये रूल है कि अगर आपका ड्रोन आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो वो इल्लीगल माना जाएगा, और अगर आप गलती से पकड़े गए तो हो सकता है आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़े। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको इसे DGCA से रजिस्टर कराना होगा। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इससे आपको रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल स्काई गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है जिसमें जाके आपको OAN नंबर और DAN नंबर लेना होगा। OAN यानी कि ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर, DAN यानी कि ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ड्रोन लीगल हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले ब्राउज़र खोल लें और उसके बाद digitalsky.dgca.gov.in पे चले जाएं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो गाइस वेबसाइट ओपन होते ही कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे हर चीज़ मौजूद है, जैसे कि RPS ओनर हैं आप उसके बारे में, अगर आप ट्रेन रिमोट पायलट हैं उसके बारे में, साथ ही साथ ट्रेनिंग कहां से लेनी है और आपके RPS कौन से टाइप्स के हैं, यानी कि आपके ड्रोन कौन से टाइप के हैं, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको पता होगा कि आपका ड्रोन कौन से कैटेगरी में आता है। अभी हम जाएंगे RPS एनलिस्टिंग में। गाइज अगर आपके पास में ऑलरेडी OAN नंबर है यानी कि ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, नहीं है तो सबसे नीचे आइए एनलिस्ट माई ड्रोन पे। यहाँ पर आपको आपका नाम या आपकी जो भी कंपनी है उसका नाम लिखना होगा, साथ ही साथ में ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो भी सम रहेगा उसका आंसर आपको देना पड़ेगा और यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा OTP। गाइज यहाँ पे आप दो तरीके से एनरोलमेंट कर सकते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कंपनी। अगर आप कंपनी के थ्रू कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपकी कंपनी का आपके पास में पैन कार्ड हो, साथ ही साथ में लेटर हेड हो जिसमें सिग्नेटरी वगैरह प्रॉपर हो, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ID देनी होगी जिसमें आपका बर्थ लिखा हो, उसमें आप पासपोर्ट दे सकते हैं, उसमें आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए जहाँ भी आपका करंट एड्रेस है उसका आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, आप चाहे तो लैंडलाइन फोन बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, इनफैक्ट अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी आपका अमाउंट होगा वो आप उसे डैश कर लें या उसे आप हाइड कर लें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कुछ भी उन्हें जो भी आप प्रोवाइड करने वाले हैं मेक श्योर वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, जितना लेटेस्ट देते हैं उतना अच्छा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया है अमोज शौक से, ईमेल एड्रेस टाइप कर दी है, नंबर भी टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करूँगा। गाइस पासवर्ड जो भी आप रखें मेक श्योर स्मॉल के साथ साथ कैपिटल भी आपको लेटर्स रखने हैं, साथ ही साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि #, $, @, एंड मेक श्योर आपका जो पासवर्ड है वो आप याद रखें, ऐसा बनाइएगा और एटलीस्ट से 8 words का हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इसका आंसर है लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट करना है OTP। OTP आपको मोबाइल पर आ जाएगा, जैसे ही आता है आप उसे टाइप कर दें और एनरोल कर लें। तो गाइस पहला स्टेप तो हो गया, आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर लें उसके बाद। गाइस जैसे ही आप ये सारी चीजें प्रोवाइड कर लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, उसके 25 से 30 मिनट के बाद में ही आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है। थोड़ा टाइम कभी कभी ज़्यादा लगता है, बट मेक श्योर आप अपना मेल का इनबॉक्स और स्पैम दोनों चेक करें, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि कुछ जो मेल थे वो मुझे स्पैम में मिले थे और कुछ जो थे वो मुझे इनबॉक्स में आए थे। तो इनबॉक्स के भरोसे मत रहिएगा, आप दोनों चेक करते रहिएगा। जैसे ही आपको मेल आ जाए उसके थ्रू आप लॉग इन कर लीजिए। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फिर आपको इंडिविजुअल प्रोफाइल पे जाना है अगर आप इंडिविजुअल हैं तो। यहाँ पे फिर आपको अपना नाम लिखना है, नेशनलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, जो भी आपके गार्डियन है उनका नाम। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालनी है, इसमें आप पासपोर्ट, आधार कार्ड ये सब डाल सकते हैं। गाइज आपको बताना चाहूँगा अगर आप पासपोर्ट डाल रहे हैं तो मेक श्योर उसका फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पर हो, साथ ही जो आपका करंट एड्रेस है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। करंट एड्रेस प्रूफ के लिए आपको लगेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक बिल, लैंडलाइन बिल, साथ ही साथ यहाँ पे लगेंगी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, 10th 12th भी है तो आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री डालनी है। फिर उसके बाद आपको लगेंगी यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स, यहाँ पर मैंने अपने वाइफ का नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल डाल दिया है। उसके बाद आपको करना है सबमिट।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओएन नंबर जनरेट हो चुका है। मेक श्योर आप इस ओएन नंबर को अच्छे से सेव कर लें, कॉपी करके नोटपैड पर रख लीजिए, अपने मोबाइल पर ले लीजिए। अब वापस हम बैक टू ड्रोन्स जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे एनलिस्ट न्यू ड्रोन। गाइस आपको बता दूं, जो आप ये भरते हैं फॉर्म ये वापस नहीं किया जा सकता, तो जो भी आप इसमें भरे सीरियल नंबर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो या जो भी चीज आप उसमें अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर गाइस कि आप गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप वापस जाके उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। एक बार अगर ड्रोन में कोई चीज़ हो गई तो वो सेव हो जाएगा, बट मान लीजिए अगर कोई गलती होती भी है तो गाइस आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और सारी चीज़ अच्छे से हो जाएगी, तो टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे आपको अपनी ड्रोन्स की डिटेल डालनी है, जैसे कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे मेरी DJI है तो मैंने DJI लिख दी है। जो आपका मॉडल नेम है, मेरा मैविक एयर 2 है तो मैंने मैविक एयर 2 लिख दिया है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आपको बॉक्स पे भी मिल जाएगा, इनफैक्ट ड्रोन पर भी लिखा होता है। सीरियल नंबर यहाँ पर इस तरीके से ड्रोन पर नंबर लिखा होता है तो आप उसे लिख लें, उसके बाद में जो भी सम होता है उसका आंसर करके सेव एंड कंटिन्यू कर लें। यहाँ पर आपको लिखना होता है सीरियल नंबर ऑफ फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल और सीरियल नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लेना है। सबसे पहले DJI के ऐप में आपको जाना होता है, एंड मेक श्योर गाइस आपका ड्रोन और आपका रिमोट कंट्रोल कनेक्टेड हो। फिर आपको जाना होता है गो फ्लाई पर, फिर जो ये आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है ये तीन डॉट्स पर। फिर आपको जाना होता है अबाउट में, जस्ट लाइक जो अपने फोन्स होते हैं वैसे ही, जो चाहे अपने ड्रोन का नाम रख सकते हैं। आपको फिर नीचे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्लाइट कंट्रोल सीरियल नंबर और रिमोट कंट्रोल सीरियल नंबर, ये आपको कॉपी कर लेना है। गाइस जो आपका फ्लाइट कंट्रोल सीरियल नंबर है वही होता है आपका सीरियल नंबर ऑफ फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल, और जो रिमोट कंट्रोल सीरियल नंबर होता है वो होता है आपका सीरियल नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर ड्रोन का वेट मेंशन करना होगा, साथ ही साथ में उसका ऑनबोर्ड कंट्रोलर कैसा है, मैन्युअली ऑटोमेटिक, विंग टाइप्स क्या है, और साथ ही साथ मंथ एंड ईयर ऑफ परचेस। अब इसके बाद बारी आती है ड्रोन की इमेजेस को अपलोड करने की। गाइज मेक श्योर आपकी ड्रोन की इमेजेस हाई क्वालिटी में हो लेकिन कंप्रेस्ड हो 300 KB में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रोन की इमेजेस आपको लेनी कैसे है, तो चलिए हम अपलोड करते हैं। फ्रंट आपको इस तरीके से अपलोड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्केल रखा है और मेजर किया है। फिर आपको टॉप व्यू लेना है, आपको इस तरीके से फोटो खींच के डालनी है। अब आपको थर्ड लेना है जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर क्लियरली विजिबल हो, इस तरीके से आपको ऊपर से फोटो लेनी है बैटरी निकाल कर, तो आपको सीरियल नंबर यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि यस मैं ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानता हूँ, फिर सेव एंड प्रीव्यू पर जाना है। अब उसके बाद में गेट DN नंबर कर लीजिए, एंड देयर यू गो, आपका DN नंबर यहाँ पर आ जाता है। इसे भी आप कॉपी करके अच्छे से सेव कर लें। जैसे ही बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना ड्रोन्स को देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ड्रोन की पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएंगी जैसे आप क्लिक करते हैं। और प्रोफाइल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका OAN नंबर यहाँ पर शो होता है। सो दैट्स इट गाइस, अब आपका ड्रोन लीगल हो चुका है और आपके पास में OAN नंबर और DN नंबर दोनों है। गाइस सारी फॉर्मेलिटी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही आप अपने ड्रोन डिटेल्स में जाते हैं, मेक श्योर आप इस तरीके का प्रिंट आउट निकाल लें। आपको पता होगा जैसे मैंने आपको स्क्रीन में पहले दिखाया कि जैसे आप ड्रोन डिटेल्स में जाते हैं ड्रोन की पूरी डिटेल्स खुल जाती है। मेक श्योर उसमें जाते से ही आप सबसे पहले ऐसा प्रिंट आउट निकाल लें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं उंगली हाथ रख के ऐसा दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं। इसमें आपका ड्रोन का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, इसमें आपका ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड सारी जो चीज़ें होती हैं, जो उसका सीरियल नंबर वगैरह, ग्राउंड कंट्रोल का सीरियल नंबर हो गया, आपका कंट्रोल मॉड्यूलर, ये सबके सीरियल नंबर होते हैं। ये सब का प्रिंट आउट निकाल लें और ऐसा हार्ड कॉपी बना लें। नहीं तो गाइस सबसे बेस्ट एक और तरीका होता है DigiLocker, जो कि गवर्नमेंट का ही एक ऐप है, उसमें आप चाहें तो इसकी इमेज स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी कुछ हुआ तो आप उसमें दिखा सकते हैं, जैसे बहुत से लोग उसमें लाइसेंस गाड़ी के कागजात उसी में रखते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ आप एक ऐसी हार्ड कॉपी भी निकाल लें अपने लैपटॉप के बैग में, या जो भी आप बैग लेके जाते हैं उसमें आप रख लें तो अच्छा रहेगा, आप इस तरीके से उसको लैमिनेट करा लें। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, जब हम कश्मीर से लौट रहे थे तो हमको रोक लिया था, उन्होंने कहा था इसमें ड्रोन है,
उससे पहले कि वो कुछ चीज बोले मैंने उनको पहले ये दे दी कि ये देख लीजिए ये DGCA से बकायदा रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ONODA नंबर दोनों मेरे पास में। वो देख के खुश हो गए, उन्होंने बोला कि आप पहले हो जिसने हमको ये चीज दी है, वरना हम तो बोल बोल के थक गए लोगों को कि आप रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो थोड़ा पूछताछ वो आपसे कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ कश्मीर ही नहीं और भी किसी भी जगह अगर आपको उन्होंने रोक लिया और मान लीजिए आपके पास में रजिस्टर आपने नहीं कराया अपने ड्रोन को, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। इनफैक्ट वो एयरपोर्ट में भी रोक लेते हैं, आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोगों ने ये चीज फेस की होगी। ड्रोन जो होता है उसे डिसमेंटल करके आपको मेन लगेज में डालना होता है, और जो उसके प्रोपेलर्स होते हैं, जो बैटरी होती है, वो सारी जो चीज़ है वो आपको हैंड लगेज में लेके जाना होता है। लेकिन अगर मान लो आपको उन्होंने रोक लिया कि ड्रोन आपके मेन लगेज में है, ये ड्रोन है क्या है क्या है कहाँ से लेके आया आपने, ऐसा कुछ बोले, तो आप ये उन्हें दे सकते हैं कि DGCA से बकायदा रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट मी गाइस, फिर वो आपको नहीं रोकते, वो फिर आपको जाने देते हैं। गाइस अगर आपके पास में ONODA नंबर है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी ले जाके आप अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, आपको फाइन 5 लाख तक जा सकता है अगर आपने गलत जगह उड़ाए, जैसे कि आप एयरपोर्ट के पास उड़ाते हैं तब आप पे अच्छा खासा फाइन लग सकता है, या फिर हो सकता है शायद आपको जेल हो जाए, आप और आपका ड्रोन दोनों जब्त हो सकते हैं। कोई भी सेंसिटिव एरिया होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है, यहाँ पर ड्रोन्स मत उड़ाइए। अगर आपने किसी ऐसी जगह उड़ा दिया जहाँ पे आपको नहीं उड़ाना चाहिए था, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हो सकता है आपको 25,000 से लेकर लाख रुपये या फिर जैसे मैंने कहा 5 लाख तक के का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि ONODA नंबर जो है वो आपको और आपके ड्रोन को भले लीगल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलीगली आप उसको ऐसी जगह उड़ाएं जो कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में आती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ मैन वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।